विकासखंड भेड़ू महादेव की गरला दी पंचायत के भलेरा गांव के पवन कुमार के एक हादसे में टांग कट जाने के बाद परिवार को दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कर पाना मुश्किल हो गया है। पिछले वर्ष 2017 के अक्टूबर महीने में बाइक दुर्घटना में पवन की दाई टांग कट गई थी, जिसके बाद 10 महीने से पवन अब बिस्तर पर लेटा है। परिवार में इकलौता कमाने वाले पवन के 3 बेटियां और 1 बेटा है। 4 बच्चों का पिता अब असहाय होकर रिश्तेदारों के रहमो करम पर जिंदगी गुजार रहा है। 4 महीने पहले मुख्यमंत्री के भवारनी दौरे के दौरान पवन ने उनसे मिलकर सहायता की गुहार लगाई थी। उसके बाद पवन को 45,000 रूपए मुख्यमंत्री राहत कोष से मदद मिले, लेकिन ये धनराशि लोगों के साथ लेन देन में खत्म हो गई। पवन के परिवार का चयन अब तक बीपीएल परिवार में भी नहीं हुआ है। पवन ने बताया कि यदि उनकी पारिवारिक स्थिति को देखकर सरकारी नौकरी की व्यवस्था की जाए तो उनके परिवार का पालन पोषण संभव है। पवन की 3 बेटियां सरकारी स्कूल में पढ़ती है और बेटा अभी 1.5 साल का है। पवन ही इस परिवार में अकेला कमाने वाला है। पीड़ित परिवार ने समाज सेवी संस्थाओं से भी मदद की गुहार लगाई है। एक्सीडेंट ऐसे हुआ कि बाइक चला रहा था मैं, बाइक स्किट आगे पशु आ गया और बाइक स्किट हो गई। उसके बाद मुझे कोई पता नहीं लगा कि कैसे हुआ क्या हुआ। इसका कारण ये रहा कि चंडीगढ़ पहुंचने पहुंचते में टाइम हो गया और जो मेरे खून की लाशें हैं वो ब्लॉकेज हो गई। वो तो उन्होंने 3-4 ऑपरेशन किए, पहले तो किया ऑपरेशन, उन्होंने रोड वगैरह डाली, उसके बाद उन्होंने प्लास्टिक सर्जरी की 2 बार और चौथी बार उन्होंने टांग काटने के लिए बोल दी क्योंकि उसमें इन्फेक्शन फैल गया था। मैं पहले सबसे पहले तो गया सीएमस के पास, वो जहाँ मनसिम्बल में आए थे उनके पास मैंने नौकरी के बारे में भी दिया था और मैंने दिया था कि जो खर्चा हुआ है मेरा, जो वहाँ से बिल आए थे उनके बारे में दिया था। उन्होंने तो किया, मेरा 45,000 भी है उन्होंने दिया, मगर वो मैंने जहाँ से मेरे घर वाले ने उठाया था पैसा उनको दे दिया मैंने, तो वो तो खत्म हो गया, यानी कि वो तो 15-16 दिन के अंदर अंदर खत्म हो गया, वो तो दे दिया मैंने, सभी को खत्म कर दिया लेन देन। उसके बाद मैं गया हमारे विधायक और श्री विपिन कुमार सिंह जी उनके पास गया मैं, उनके पास भी मैंने एप्लीकेशन दी। उसके बाद मैं गया श्री परमार सिंह जी के पास, तो उनके पास एप्लीकेशन दी कि मैं मैट्रिक पास हूँ और मैं नौकरी के लिए अप्लाई किया मैंने और कहा कि मुझे आज तक बीपीएल में भी नहीं डाला गया है। मेरे घर वाले का एक्सीडेंट हुआ था यहाँ पे बाइक से हैंजा में, तो जब मेरा बच्चा छोटा था तो उन्होंने सीधा रेफर कर दिया पालमपुर को। पालमपुर में थोड़ा बहुत इलाज हुआ, उसके बाद उन्होंने पीजीआई को रेफर कर दिया टांडा के बाद पीजीआई को रेफर कर दिया। उसके बाद 3 ऑपरेशन हुए और चौथे ऑपरेशन में टांग जो थी वो काट दी उन्होंने। और उससे क्या कि उसके बाद खाना पीना खर्चा थोड़ा मुश्किल हो गया घर में, डिपो का राशन लाना भी मुश्किल हो गया, खाने पीने की भी बहुत तंगदारी आ गई है। ये तो घर वाले हैं थोड़ा बहुत करते हैं, लेकिन बच्चों की पढ़ाई लिखाई मुश्किल हो गई है। अब आपकी इस काल ये प्रशासन से क्या मांग रहती है? बस मैं सरकार से ये प्रार्थना है मेरी कि मेरे घर वाले को नौकरी दी जाए जिससे मेरे बच्चों का अच्छी तरह से पालन पोषण हो सके। इस बारे में पंचायत प्रधान निशा चौधरी ने बताया कि आगामी ग्राम सभा का कोरम पूरा होने पर इस परिवार को बीपीएल में डालने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। सर, जैसी हमारी आगामी ग्राम सभा होगी उसमें मैं ले लूंगी उसको, पर उससे पहले हमारी 4 अगस्त को जो ग्राम सभा है ना, जैसे हमें बीडीओ सर से परमिशन मिल जाए कि इसका कुछ बीपीएल सूची में नाम दर्ज कर दिया जाए तो उसमें हम उसको ले लेंगे। इसकी को पेंशन के बारे में भी कुछ? हाँ, पेंशन के लिए फॉर्म तैयार कर दिए हैं, लेकिन उसमें ग्राम सभा का रेगुलेशन लगना बाकी है। जैसे हमारी ग्राम सभा पूरी होगी उसमें वो रेगुलेशन भी लगा देंगे, फॉर्म जो वेलफेयर में जमा करवा देंगे ऑफिस में।